हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम से डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 15x30। फ्रंट इसका 15 फीट दिया, लंबाई इसकी 30 फीट रखी है, जिसमें आपको बाइक पार्किंग के साथ में ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। उसके ऊपर भी आपको 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हैं। एक हमारा प्लान 20x30 का पड़ा था इसी एलिवेशन में, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो कमेंट काफ़ी आ रहे थे कि मुझे 15x30 में चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने 15x30 में उसी प्लान की डिजाइनिंग की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाइक पार्किंग मिलेगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बालकनी भी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 15x30 में ओनली। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बाइक पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके से रैंप दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एलिवेशन दिया हुआ है, यहाँ पर लाइटों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट मिल जाता है, गेट आपका 5 फीट का लगा हुआ है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्किंग एरिया दिख जाता है कुछ इस तरीके से। इस पार्किंग का मैंने साइज रखा है 5x7 है, 5x7 की आपकी पार्किंग दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 फीट का स्पेस मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से डेकोरेट करा सकते हैं। इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड आपको कुछ इस तरीके से स्पेस मिल जाता है। इस स्पेस का मैंने साइज रखा हुआ है 1.5 फीट, ये 1.5 फीट का आपका स्पेस दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 2 एंट्री गेट दिख जाते हैं। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है कुछ इस तरीके से। बैठक से डायरेक्ट घर के अंदर आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया है, डायरेक्ट आप घर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। बैठक के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई है, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा आपकी बैठक का। इस बैठक का मैंने साइज रखा है 9x9, ये 9x9 की आपकी बैठक दी गई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप 9x9। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हॉल मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ओपन एरिया मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल में कुछ इस तरीके से किचन मिल जाती है, यहाँ पे आप हॉल में डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 5x7 है, 5x7 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं ओपन आपकी किचन बनी है 5x7 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है इस साइड से भी, इस साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 9x10, ये 9x10 का आपका रूम दिया गया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप 9x10। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है, कम्प्लीट जीना कुछ इस तरीके से बना हुआ पूरा, देख सकते हैं आप। जीने के नीचे यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाती है। काफ़ी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है लैट्रिन बाथरूम के पर्पज से, कम्बाइंड आपके लैट्रिन बाथरूम बनाई गई है। जीना मैंने 2.5 फिट का दिया हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया है। कम्प्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15x30 में ग्राउंड फ्लोर में बाइक पार्किंग के साथ में 2 BHK कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आप ऊपर आना, ऊपर आने में कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने मिल रहा था सेम साइज का आपका जीना दिया गया है। जीने के जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन दोनों साइड से आपको विंडो मिल जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद सेम साइज का आपको रूम दिख जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने में मिला था 9x10 का आपका रूम बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से हॉल मिल जाता है। हॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा है 3.5x7, 3.5x7 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद रोड साइड से आपको बेडरूम दिख जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया है और वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा, आराम से कूलर भी लगा सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज रखा 9x9, दीवार को हटा के मैं सारे साइज बता रहा हूँ, 9x9 का आपका रूम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके से कॉमन एंट्री गेट दिया है, देख सकते हैं कोई भी आ जा सकता है, कोई रूम क्रॉस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से आपकी
इंटीग्रेट दिया है, काफ़ी बड़ी लॉबी दी है, लॉबी का मैंने साइज दिया हुआ है 5x6, ये 5x6 की आपकी लॉबी उपलब्ध कराई गई है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप 5x6। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है, हॉल का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको दो रूम दिए, एक आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम उपलब्ध कराई गई है। कंप्लीट आईडी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ऊपर आप पानी टंकी रख सकते हैं। एलिवेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया 15x30 में, देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट एलिवेशन दिया 15x30 में 4 बेडरूम के साथ में। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।